नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज क्योंकि फोन सब सुन रहा है और ये बात कोई नई नहीं है, आप और हम सब अनुभव कर चुके हैं कि आपका हमारा फोन ऐसा लगता है कि हमारी बातें सुन रहा है, क्योंकि हम जो बात करते हैं उससे रिलेटेड फीड्स, एडवर्टाइजमेंट, पोस्ट सब धीरे धीरे अपीयर होने लगते हैं। और ये बात काफी समय से आपके और हमारे जहन में है, लेकिन अब धीरे धीरे कर इसकी सच्चाई बाहर आ रही है। एक और कंपनी ने कहा है कि हाँ, ऐसा होता है, फोन सुना जाता है, उसके आधार पर एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। और फोन क्या सुना जाता है? आपकी सारी बातें, आप जो भी बात करते हैं वो सब कुछ। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका कोई रिकॉर्ड होता होगा, कोई ब्यौरा होता होगा, कहीं स्टोर भी होता होगा। अलग बात है कि उसमें से अभी सिर्फ आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाए जा रहे हैं। तो क्या है ये पूरा गड़बड़ जाला? आखिर कोई नियम कानून कायदा नहीं है जो इस चीज़ को रोके, क्योंकि ये तो चोरी हो गई, चुपके से आपकी बात सुनना हो गया, ये तो बड़ा कानूनी अपराध है। फिर ऐसा कैसे हो रहा है? और क्या कोई तरीका है कि आप अपने फ़ोन में किसी सेटिंग को बदल कर इस चीज़ को बंद कर सकते हैं? भाई कौन चाहेगा कि उसकी प्राइवेसी के बदले उसको एडवर्टाइज देखने को मिले? कम से कम शायद मैं नहीं चाहूँगा, आप भी नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा इनफैक्ट। तो आज इस चीज़ को थोड़ा और तह में जाके देखते हैं कि हो क्या रहा है, कहाँ से बात निकल कर आई है, इसमें कितना दम है, कंपनियाँ क्या कह रही हैं, बात करते हैं। बताता हूँ आपको पहले हुआ क्या, फिर डिटेल में जाएंगे, बातचीत करेंगे अपने मेहमानों से। तो मार्केटिंग कंपनी एक है, कॉक्स मीडिया ग्रुप, CMG भी इसे कहते हैं, उसने ये खुलासा किया। दरअसल वो अपने इन्वेस्टर्स को एक पिच दे रहे थे जिसमें ये बातें निकल कर सामने आई, जहां पर उन्होंने माना इस बात को, और ये पूरा उनका विवरण 404 रिपोर्ट्स में छपा हुआ है। माइक्रोफोन के जरिए बातें सुनी जाती हैं स्मार्टफोन के अंदर, ये कंपनी खुद कह रही है जब वो अपने इन्वेस्टर्स या दूसरे क्लाइंट्स को एक पिच दे रही है और बोल रही है कि माइक्रोफोन के जरिए बातें सुनी जाती हैं। एक्टिव लिसनिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए डेटा कलेक्ट किया जाता है, और वो भी रियल टाइम, यानी मैं जैसा बोल रहा हूँ इस वक्त, अगर मेरा फ़ोन जो भी यहाँ रखा है वो माइक्रोफोन में मुझे रियल टाइम सुन रहा है, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, और यूज़र्स की बातों को सुनकर इस डेटा को लेकर मेरे बिहेवियरल डेटा, यानी मेरी बात सुन ली प्लस मेरा इंटरनेट पे जो बिहेवियर है, उन सबको मिलाकर AI सॉफ्टवेयर के जरिए डाटा के आधार पर मुझे एड थ्रो किया जाता है। क्योंकि जैसे ही आप देखते होंगे कि आपने जो बात की, अचानक लगेगा कि उस तरह के एडवर्टाइजमेंट आने लग गए। अभी तक लगता था ऐसा हो रहा है, ये कंपनी कह रही है जी हाँ ऐसे ही होता है, तो ये बड़ी बात है। एक दो और कंपनियों ने हाल फिलहाल में बोला है, लेकिन ये बात निकलकर सामने आई। और उसके बाद इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं उसमें कौन कौन शामिल है, उसमें गूगल शामिल है, उसमें मेटा यानी फेसबुक वाली कंपनी शामिल है, इनफैक्ट अमेजॉन भी है, कुछ कुछ एक्शंस भी हुए हैं इन पर, लेकिन क्या वो काफ़ी हैं? आज इसी पे बात करेंगे कि ये तो भाई बड़ा गंभीर सवाल है, क्या इसका कोई निदान है, कानून इसके लिए क्या कहता है, और आपका मोबाइल फ़ोन क्या कोई ऐसा ऑप्शन देता है कि आप ये सब ना करें? राइट, बातचीत में शामिल हो रहे हैं सिक्योर क्लॉ के फाउंडर शेखर अशोक पवार, साइबर सिक्योरिटी में रिसर्चर एक्सपर्ट राजशेखर राजहरिया और साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रितेश, राजशेखर, शेखर साहब, ये बातें हम हमेशा करते रहे हैं और अब तो ये बात अब सामने आ गई है, मतलब अब इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं रह गया। रितेश जी, ये क्या लीगल है? पहला सवाल ये, क्या कोई ऐसी मेरी बातचीत सुन सकता है सीधे सीधे फोन पर रिकॉर्ड करके? और मतलब अब क्या ये कोई हिडन सीक्रेट है या ये बात अब तय है कि हाँ ऐसा हो रहा है? नहीं तो विपिन जी, ये मतलब कोई लीगल या इलीगल का इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि ये जो परमिशन है वो हम खुद ही दे रहे हैं। आपने भी काफ़ी बार देखा होएगा कि हम जैसे जब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हम धनाधन मतलब सारे परमिशंस दे देते हैं, और जब भी परमिशंस की बारी आती है लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम इसको नो बोलेंगे तो वो ऐप चलेगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है पहले आप नो बोल के तो देखिए और बाद में पता चलेगा कि वो ऐप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरा चीज है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, तो एक तो हमने जैसे परमिशंस खुद ही दे दी है माइक्रोफोन की भी, दूसरी चीज जो ये है कि वो ये जो कंपनीज है ना, ये भी बहुत कोई कम चालू नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, ये आपको है ना कुछ ऐसे इंसेंटिव देते हैं जिससे आप उनको बाकी परमिशन दे सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप SMS की बात ले लें, अभी उन्होंने आपके दिमाग को ऐसे बना दिया कि आपके एक 6 डिजिट का कोड याद रखना भी आपके लिए मुश्किल कर देते हैं। वो उनको लगता है कि क्या जरूरत पड़ी है,
आप हमको SMS का एक्सेस दे दीजिए, हम खुद ही पढ़ लेंगे कोड और खुद ही डाल देंगे। हम भूल जाते हैं कि उस टाइम पे जब हम उनको उस चीज का एक्सेस दे रहे हैं तो वो हमारे सारे SMS, जैसे मुझे तो मेरे इंपॉर्टेंट SMS भी आते हैं कि मेरा बैंक में आज इतना बैलेंस है, रोज बैंक अपने को बैलेंस बताता रहता है। तो ये रही दूसरी चीज जिसके कारण ये होता है। तो अभी जैसे आप देखोगे तो एक बहुत ही पॉपुलर हमारा फूड डिलीवरी ऐप वाला है, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने बोला है कि अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने का है जो फूड डिलीवर करने को आ रहा है तो आप ये माइक्रोफोन से मतलब बात करके एक मैसेज छोड़ सकते हैं, वो उसको सुनाई देगा। एसेंशियली वो क्या बोल रहा है कि आपका माइक्रोफोन का एक्सेस मेरे पास ऑल द टाइम रहेगा। और इसके लिए जब आप क्योंकि लीगल चीज की बात कर रहे हो, ये लोग अपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि इतने लंबे होते हैं और हम पढ़ते भी नहीं है छोटे स्क्रीन पे, वहां पे एक ऑप्शन होता है एक्टिव लिसनिंग का। हम बोल देते हैं कि हाँ आप एक्टिवली इसको लिसन भी कर सकते हैं, यानी कि मेरा फोन अगर साइलेंट पे भी पड़ा है, साइड में भी पड़ा है, मैं क्या बातें कर रहा हूँ किसके साथ, वो सारे जो एप्स है जिन्होंने वो परमिशन लिया है वो सुन पा रहे हैं। और इसी के कारण हमको ये सारे एड्स आते हैं या हमारे साथ टारगेटेड एडवर्टाइजिंग होता है। विपिन जी, राजशेखर साहब, तो देखिए ये बात जो अभी रितेश जी ने कही, और इनफैक्ट जिस एक और मैं अन्य कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसने लास्ट ईयर इस तरह की बात कही थी कि हाँ हम सुनते हैं, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट डाली थी जो बाद में डिलीट कर दी गई, और उसने वह सवाल पूछा था कि आपको लगेगा क्या ये सब कुछ लीगल है, तो उन्होंने लिखा था हाँ जी जनाब ये लीगल है क्योंकि आप खुद इसकी परमिशन देते हैं जब आप एक्सेस करते हैं किसी ऐप को और आप दबाते जाते हैं कि अलाउड 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 अलाउड, उसमें सारी परमिशंस आ जाती है। पर ये तो धोखाधड़ी है राजशेखर साहब, क्योंकि शायद सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। बिल्कुल, जैसा रितेश जी ने बोला कि हम बिना सोचे समझे सारी ये परमिशन देते जाते हैं, लेकिन हमें एक चीज और यहाँ पे सोचनी चाहिए कि जिस दिन हम अपना फोन खरीदते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर वो आईफोन हो, फोन खरीदते ही उसको ऑन करने से पहले भी आपको टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ती है, उसमें डिक्लाइन करने का ऑप्शन ही नहीं होता है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप नया फोन यूज कर पाएंगे, और अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब आप गूगल को या फिर एप्पल को आईफोन को सारी परमिशन दे रहे हैं कि मेरी तरफ से आपको सारी इजाजत है, आप मेरे मैसेजेस पढ़िए, आप मेरे फोन सुनिए, अगर मैं नॉर्मल कॉल की जगह व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ, कहीं भी कॉल करता हूँ, तो आप सब सुनिए, क्योंकि टर्म्स कंडीशन आपने पूरी पढ़ी नहीं है। दूसरा, हमारे कंट्री में कोई इतना पढ़ता नहीं है। उसके बाद में अगर हम आ जाते हैं कि क्या ये कंपनी हमारी वॉइस सुन सकती है, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं जस्ट अभी बैठ के अपने फोन में ही सर्च कर रहा था, कैन गूगल लिसन योर कन्वर्सेशन, तो गूगल का खुद का AI यहाँ पे जवाब दे रहा है, यस गूगल कैन लिसन योर कन्वर्सेशन इन सर्टेन सर्कमटेंस। गूगल खुद बोल रहा है कि हाँ हम आपकी कन्वर्सेशन पढ़ सकते हैं अगर आपका गूगल असिस्टेंस ऑन है तो। लेकिन आज तक किसी इंसान ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसने कब गूगल असिस्टेंट ऑन किया या नहीं किया, आपके पास कौन सी डिवाइस है, उसमें आप क्या बोल रहे हैं। गलती से आप रात को सोते टाइम भी है गूगल बोल दिया तो वो तो आपकी रात को सारी बातें सुनने लग जाएगा, दिन में सारी बातें सुनेगा। गलती से आप अपने मुंह से गूगल मत बोल दीजिए, वरना आपका फोन ऑन हो जाएगा और आपकी बातें सुनना स्टार्ट कर देगा। दूसरी चीज, अगर हम जाते हैं फेसबुक की तरफ, तो अगर हम देखें तो आज के दिन हमारा जो नेटवर्क है, अब किसी को कॉल करते हैं तो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए सारी दुनिया व्हाट्सएप पे कॉल करने में ज्यादा विश्वास रखती है क्योंकि व्हाट्सएप पे एक बहुत अच्छी क्लियर वॉइस आती है। तो हम उसमें भी कहाँ ये मान सकते हैं कि क्या फेसबुक इस चीज को स्टोर नहीं कर रहा है, और इसका जवाब देने के लिए कोई नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी एजेंसी भी वहां जाके कैसे पता करेंगी। केवल गवर्नमेंट ही कभी कभी इनसे पूछ लेती है और कंपनी खुद चल के बता देती है कि हाँ हम कुछ हद तक आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं या फिर उसका यूज करते हैं। दूसरी चीज, यूज करने के बाद में आपके पास जितने भी एड आते हैं वो सारे के सारे एड इन्हीं चीजों के बेसिस पे होते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर हम एड को भी छोड़ दें तो जितनी रील इंसान सुबह से शाम तक देखता है वो सारी रील उसको वही दिखाई देती है जो सुबह से शाम तक उसका उसमें इंटरेस्ट होता है। एक बार आपने इंटरेस्ट दिखा दिया, आप कंटिन्यू चलते जाइए चलते जाइए। नहीं ठीक है, देखिए दो, उन्होंने बोला भी कि दो पैटर्न, दो चीजों में उनका AI सॉफ्टवेयर एक साथ काम करता है, वो आपके वॉइस डेटा को, आपके बिहेवियरल डेटा, जो आप कह रहे हैं कि किस तरह की चीजें आप देखते हैं वो तो चलिए मैं फिर भी मान लूं, लेकिन मेरी आवाज़ को सुनना, रिकॉर्ड करना, रखना, शेखर साहब ये सब डेटा कहाँ जाता है, क्या ये किसी इंटरप्रेटेटेड फॉर्म में होता है, ये किस सर्वर पर स्टोर होता है, कौन इसको सुनता है, क्या ह्यूमंस बैठ के सुनते हैं। एक बात मुझे याद आती है, शायद सिरी के लिए थी या
आई थिंक एलेक्सा के लिए थी, उसके कुछ इंजीनियर्स ने बोला था कि हमने जब लोगों की बातें सुनी तो हम पागल हो गए और हमको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा, इस तरह की चीज़ें आई। तो क्या ये बैठ के कोई ह्यूमन उस तरफ सुन रहा है, मशीनें सुन रही हैं, क्या होता है? विपिन जी, अभी क्या हुआ है कि ये जो डेटा है ये बहुत ही अच्छी तरह से एनालिसिस किया जाता है एआई की और मशीन लर्निंग के बदौलत। ये ऐसे नहीं कि कोई इंडिविजुअल आदमी बैठ के या कोई 10,000 लोगों का टीम बैठ के उसको मैन्युअली एफर्ट डाल के उसको चेक कर रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सर्वर्स रहते हैं बहुत ज्यादा भारत में तो नहीं रहते, ये तो अमेरिका या अलग अलग देशों में रहते हैं, तो ये हमारे कंट्री के बाउंड्री के बाहर है, तो हमारा उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल भी नहीं है कि वो डेटा कैसे कहां पे एक्सेस मिल रहा है और कहां पे उसका बैकअप लिया जा रहा है और कहां पे उसको बेचा जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो आप अभी बोल रहे हो कि मोबाइल डिवाइस आपकी आवाज सुन रहा है और उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, इससे भी ज्यादा गंभीर गुनाह किए जा रहे हैं ये मोबाइल डिवाइस और उसके साथ की इकोसिस्टम के साथ इकोसिस्टम को यूज करके, जैसे एलेक्सा हो गया या फिर आपका डिजिटल जो आप घड़ी पहन रहे हो जो ऐप के साथ कनेक्टेड रहती है वो हो गई, या आपके घर में या बाहर आप ऑफिस के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं उसको मोबाइल में एक्सेस करने के लिए आप क्लाउड पे उस सिग्नल को जाने रहते हैं, वहां वो क्लाउड आपको मोबाइल पे आपका जो लाइव वीडियो है आपके ऑफिस का आपके प्रीमाइस का वो दिखाता है। तो इसका और हो जाए, ये जो सीसीटीवी कैमरे रहते हैं बहुत सारे कैमरा कंपनी जो ये ऐप प्रोवाइड करती है वो चाइना में बेस्ड है, इसका मतलब कि चाइना के क्लाउड सर्वर पे हमारी लाइव इमेजेस वीडियोस जा रही है और वहां से एक्सेस करके हम लोग मोबाइल ऐप पे उसको देख पा रहे हैं। उसके अलावा जो आपके डिजिटल रिस्ट वॉच है जो आपने घड़ी पहनी है वो आपका कंटिन्यूअस पल्स रेट चेक कर रही है, आपका ऑक्सीजन लेवल चेक कर रही है, आपकी मूवमेंट चेक कर रही है, अगर आप चलते हो तो आपका स्टेप काउंट आपको दिखाया जाता है, आपको बताया जाता है यूट्यूब के और बहुत सारे वीडियोज के द्वारा कि आपको ये रिस्ट वॉच हमेशा रात को सोते समय भी पहनना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो हार्ट अटैक आते हैं वो रात के समय पे आते हैं और आप अनकॉन्शियसली कुछ सोचते रहते हैं और उसके वजह से शायद आपका पल्स रेट बढ़ता रहेगा, तो आपको ये रिकॉर्ड करना चाहिए। और ये जो मैंने अभी मैं तो शेखर साहब देखिए अब ये थोड़ी सी एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि मेरा पल्स रिकॉर्ड रख ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगेगा मेरा स्टेप काउंट रख ले कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा ये रख ले, लेकिन आप और मैं क्या बात कर रहे हैं, मैं घर पे क्या बात कर रहा हूँ, मैं ऑफिस में क्या बात कर रहा हूँ, इन दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत सारी जगह पे शायद आप अलाउ कर देंगे कि ओके एक मेरा सीसीटीवी कैमरा है एक दुकान में लगा है उसमें क्या दिन रात हो रहा है जाने दीजिए किसी सर्वर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई आपके फ़ोन की टैपिंग कर रहा है वो भी 24 घंटे, इट्स लाइक दैट, और वो आप उसका कुछ कर नहीं सकते, दोनों चीजों में थोड़ा सा अंतर अभी, है अभी यस नहीं इसमें अंतर इस वजह से नहीं है क्योंकि जो लाइव आप वीडियो देख रहे हो उसके साथ आवाज भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो। हाँ ठीक है, मतलब मेरे को पता है ना, मुझे पता है वो चीज कि ये जो हो रहा है वो दिख रहा है, अगर आप उस केस में मेरे को मालूम है सर, लेकिन इस केस में नहीं मालूम है कि ऐसा हो रहा है कि मेरा फोन मेरी आवाज सुन रहा है क्योंकि ये 24 घंटे मेरे साथ रहता है। आप हो सकता है उस सीसीटीवी कैमरा के एक दुकान में लगाओ, एक ऑफिस में लगाओ, एक घर में लगाओ, वो एक्शन आपको पता रहते हैं, सब कुछ मालूम रहता है कि हाँ ये सर्वर पे रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको नहीं मालूम है ना, ये चोरी छुपे हो रहा है। रितेश जी, इसको लेकर हमारे लॉस क्या कहते हैं, क्या मतलब फॉरेन में भी इसको लेकर, मतलब विदेशों में जो मैं मानता हूं कि वो जहां पर ये कंपनियां बेस्ड है खुद उन देशों में तो लॉस काफी कठिन है, उनको जब होता है वो कभी मेटा को खड़ा कर देते हैं अदालत में, कभी गूगल को अरबों डॉलर के जुर्माने लगाते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ होता हुआ दिखता नहीं, क्या हमारे कानून इतने लचर है कि इन चीजों का कुछ नहीं कर पाते? तो पहले जहां तक की लॉ की बात है मैं ज्यादा इस पे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपको भी पता है कि मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, लॉयर नहीं हूँ। तो लेकिन एज फार एज हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल भी कहता है उसके अंदर भी मतलब इसको जैसे देखा जाए तो एक सेंसिटिव डेटा माना जाता है, लेकिन और हम किसको दे रहे हैं और कौन मिसयूज कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम जिसकी बात कर रहे हैं उस बंदे ने क्या किया हुआ है, ये पर्टिकुलर जो सीएमजी कंपनी की बात कर रहे हैं इसमें ऐसा हुआ है कि ये कह रहा है कि मेरे पास 470 डेटा पॉइंट्स है, मतलब मैं 470 डेटा सोर्सेज है अभी इसके लिए, और उसने अपने सोर्सेज में क्या लिखा हुआ है जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, यानी कि मतलब
हर तरीके से, यानी कि अगर जब मैं जैसे अमेजोन की बात करूं तो यानी कि क्या वो ये कह रहा है कि एलेक्सा में भी जो सुनाई देता है वहां के भी माइक्रोफोन से, क्योंकि उसको भी यू नो हड़ी घड़ी ये लोग ऑन कर सकते हैं वगैरह, वो पूरा टाइम तो लिसनिंग मोड में ही रहता है ना, इसलिए जब आप बोलते हो एलेक्सा तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड करना चालू करता है, तो वो एक्टिव लिसनिंग जो है, तो ये कंपनी कह रही है कि 470 सोर्सेज है उनके पास जहां से हमारे ये वॉइसेस को किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो ये पिच डेक दिया है, जो ये अपने इन्वेस्टर्स को दिखा रहे थे, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को दिखा रहे थे, वो मैं अभी डेक ही देख रहा था, उनका ऑफिशियल जो डेक है वो मेरे हाथ में लगा है, तो मैं उसको ही देख रहा था, और वो ये भी कह रहे थे कि अगर आपको चाहिए तो ये जो डेटा है आपके इधर 16 किलोमीटर के रेडियस या 32 किलोमीटर के रेडियस, ऐसा भी उनके पास प्लान है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मतलब हम कहां से कहां चले गए हैं। तो प्राइवेसी नाम की, तो फिर अगर हम इसमें प्राइवेसी की बात करें तो देखा जाए तो हम इस कंपनी को नहीं दे रहे हैं, हम मान लीजिए हमारा जो एक्सेस है माइक्रोफोन का वो हम मीटा को दे रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का, अमेजोन को दिया हुआ है एलेक्सा के कारण, और गूगल को दिया हुआ है मतलब बाकी सारी चीजों के कारण। तो हम अगर कुछ चाहे भी अगर करने के लिए तो हमको इन कंपनीज पे करना पड़ेगा, और उससे ज्यादा इन कंपनीज को अभी एक्शन इस पर्टिकुलर मीडिया ग्रुप पे लेना पड़ेगा, जो कि मैं न्यूज में पढ़ रहा हूं कि ऑलरेडी वो लोग ने उनको लिया है। हाँ, उन्होंने कहा है कि हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, ये है वो है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सारी मिलीभगत जैसी है, सबको सब पता है, बट मिलीभगत हाँ, वो अपने आप को बचाने के लिए वो बचाने की बात है। क्विकली मैं ब्रेक लूं, उससे पहले राजशेखर आपका कोई कमेंट इस पर? बिल्कुल, जितनी चीजें, जितनी हमारा वॉइस का डेटा है बहुत ही सेंसिटिव डेटा है, गवर्नमेंट में भी काफी सारी गवर्नमेंट ये चीजें यूज करती है, कहीं भी कोई भी डेटा लीक हुआ हुआ उसका कहीं भी किसी भी जगह पे बहुत सेंसिटिव तरीके से यूज किया जा सकता है, जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत खतरनाक माना जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इन कंपनी से अगर डेटा स्टोर भी करते हैं एनी हाउ किसी भी कंडीशन में, तो वो डेटा कंट्री के बाहर ना जाए, क्योंकि ये डेटा तो स्टोर करते रहेंगे, ये इसको नहीं रोका जा सकता है। इतना किया जा सकता है कि कम से कम वो डेटा इंडिया में स्टोर करें, हमारे देश में स्टोर करें हमारा डेटा, ताकि हमें उसका यूज पता रहे। ठीक है, अब ये है कि क्या आप इसका कुछ कर सकते हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपको आपकी प्राइवेसी के बदले में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिले, आपको आपकी प्राइवेसी के बदले में इंफॉर्मेशन जानने को मिले? जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि शायद बहुत सारे लोग, क्या 100% लोग नहीं चाहेंगे कि भाई मेरी प्राइवेसी के कॉस्ट पर आप मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाओ। छोटा ब्रेक ले रहे हैं और पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चेंज करें और आपकी वॉइस सुनना बंद हो जाए, दूसरी तरफ हो सकता है आपको एड्स ना आए, हो सकता है, और बहुत सारे लोग तो शायद इससे खुश हो जाएंगे कि अच्छा ऐसा ना हो, मैं सर्च कर लूंगा अपने लिए जो मुझे सर्च करना होगा। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद इस टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात करेंगे। वेलकम बैक, आज बात हो रही है कि आपका फोन सब कुछ सुनता है, और अब ये बात ऑन रिकॉर्ड भी आ रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने, और रिसेंटली एक कंपनी ने खुलासा किया जो कि डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है, जिसके फेसबुक, गूगल जैसे बड़े क्लाइंट्स हैं, अमेज़ॉन जैसे क्लाइंट्स हैं, कि हाँ उनके पास एक एक्टिव सॉफ्टवेयर है जिससे वो रियल टाइम डेटा कलेक्ट करती हैं, आप क्या बात करते हैं फ़ोन के माइक्रोफोन के ज़रिए, फिर बिहेवियरल डेटा यानी आप क्या सर्च करते हैं इंटरनेट पर, उनको मिलाकर आपको एडवर्टाइज थ्रो करती हैं। इसके आगे पीछे बहुत सारी कहानी है जिसे ब्रेक से पहले हमने बातचीत की, लेकिन अब बड़ा सवाल कि क्या आप इसे रोक सकते हैं एट योर विल, आप अपने फोन में क्या कुछ ऐसा कर पाएंगे, राइट? तो शेखर साहब, क्या सेटिंग में कुछ करके हम इस चीज को रोक सकते हैं? क्योंकि हर ऐप जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो पहले 10 तरह की इजाजत मांगता है, और उसमें ऑलमोस्ट आपका पूरा फोन कवर हो जाता है, माइक्रोफोन, कैमरा, SMS, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट, ईमेल्स, एवरीथिंग। जी जरूर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर एक ऐप को हर एक प्रकार की जो परमिशन है वो नहीं देनी चाहिए। अगर आप अभी भी आपके मोबाइल पे जो भी ऐप है उनकी अगर सेटिंग में जाके आप अगर वहां पे माइक्रोफोन ऑफ करोगे
तो वो ऐप शायद आपको सुन नहीं पाएगा, लेकिन उसमें भी एक गुंजाइश है कि आप कोई अलग अलग सेटिंग भी चालू रख सकते हैं, जैसे जियो लोकेशन शेयरिंग या फिर आपके फोटोज को एक्सेस या कॉन्टैक्ट को एक्सेस। तो ये भी अगर जरूरत नहीं है तो आप वो सेटिंग निकाल दीजिए। जैसे आपका कैब बुकिंग ऐप है तो उसको लोकेशन शेयरिंग की जो सेटिंग है वो तभी देनी चाहिए जब आप ऐप यूज कर रहे हो, तो वहां पे अलाउ व्हाइल यूजिंग ऐसा एक सेटिंग रहता है। तो अगर आप वैसी सेटिंग अगर यूज करोगे तो आप माइक्रोफोन या लोकेशन या कोई भी आपके जो एक्सेस है, एक्सेसिव एक्सेस जो आपके ऐप में है, उनको ब्लॉक कर सकते हो उस ऐप के लिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे मोबाइल ऐप जो रहते हैं वो हम लोग कभी यूज भी नहीं करते, इंस्टॉल करके रख देते हैं और हम भूल जाते हैं कि वो अभी यूज में नहीं है। तो ऐसे ऐप को हमेशा निकाल दीजिए, डिलीट कीजिए, और जब भी आपको जरूरत हो तब भी आप उसको इंस्टॉल कीजिए। तो इससे भी आप क्या करोगे, आपके मोबाइल में एक स्वच्छता अभियान करोगे और आपके मोबाइल पे अनजान ऐप्स के लिए परमिशंस मिलने का गुंजाइश बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन राजशेखर साहब बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो अगर आप उनसे परमिशन निकाल लीजिए या उनको परमिशन नहीं दीजिए तो फिर वो काम ही नहीं करते। ये एक तरीके की मजबूरी हो गई हमें परमिशन देना, और एक बार हम दे देते हैं तो हम लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम बार बार उसको अप्रूव करें या फिर वापस से हटा दें। दूसरी तरफ आपने एक पुरानी रिपोर्ट भी देखी होगी कि पहले जो हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर के इनकॉग्निटो मोड के अंदर लोग ये समझते थे कि गूगल उसका डेटा स्टोर नहीं करता है, लेकिन कुछ टाइम पहले ही रिपोर्ट आई थी कि उसका डेटा भी स्टोर किया जाता था और उसको बाद में डिलीट किया गया। दूसरी चीज, सारे लोगों से मैं एक अपील करना चाहूंगा कि अपने गूगल का और अपने फेसबुक का दोनों का डेटा, गूगल का डेटा आपका गूगल टेकआउट के जरिए आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, और फेसबुक का डेटा डाउनलोड करके एक बार आप उसको सारे लोग देखें कि गूगल और फेसबुक हमारा कितना डेटा स्टोर करता है। और अगर आपको कहीं लगता है कि आप खुद से ज्यादा आपको गूगल या फेसबुक जानता है, जैसे ही आप वो डेटा डाउनलोड करके देखेंगे पूरे 10 साल की हिस्ट्री, तो आपको लगेगा। अगर आपको वहां पे कुछ गलत लगता है तो अपनी आवाज उठाएं, गवर्नमेंट को बताएं, कानून बनाने के लिए गवर्नमेंट को सुझाव दें, क्योंकि हर इंडिविजुअल इंसान ये चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश के अंदर काफी सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको ऐप इंस्टॉल भी नहीं करना आता, किसी दूसरे से करवाते हैं, होने के बाद उसको भूल जाते हैं। इसलिए समझदार अगर हम हैं तो बने, थोड़ा अपना डेटा डाउनलोड करके देखें कि हम खुद से ज्यादा ये कहीं, एक अच्छा सजेशन है आपका, ये करके देखना चाहिए तो आपको समझेगा कि देखिए हो क्या रहा है पीछे से। एटलास्ट रितेश, आपका कोई एक्सपर्ट कमेंट, क्या आप फोन की सेटिंग्स में ऐसा कुछ मिनिमम कर सकते हैं जिससे एटलीस्ट ये सुनना सुनाना बंद हो? आप कितना भी कर लीजिए, कितनी भी सेटिंग्स में कर लीजिए, ये लोग आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे कहीं ना कहीं। और ये सारे हम तो अभी ऐसे टाइम पे आ गए हैं जब हम टेक्नोलॉजी और अडॉप्ट करने वाले हैं। अभी हम तो बात कर रहे हैं हम इंडस्ट्री 4.0 की, अभी हम जा रहे हैं इंडस्ट्री 5.0, जहाँ पे मतलब इतने सारे सेंसर्स रहेंगे जो पूरा टाइम हमारा डेटा लेते बैठेंगे। जिस हिसाब से इतना डिजिटलाइजेशन हो रहा है वर्ल्ड ओवर, हर चीज एक कनेक्टेड वर्ल्ड में है, तो इस चीज से अभी बचना नामुमकिन है, मैं इतना बता दूंगा। चलिए, ये तो आपने ऐसी बात कह दी कि इसके आगे सवाल क्या पूछूं, लेकिन अगेन यहाँ पर शायद थोड़ा ओनस अब देश के इकोसिस्टम, देश के लॉस, देश की गवर्नमेंट पे जाता है कि वो इन चीज़ों को कितना अलाउ करती है। कम से कम आपको पता तो हो कि क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये बात पता ही नहीं कि पीछे से उनको बाहर से फ्री की चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन पीछे से उनके क्या डेटा, इनफैक्ट उनकी रोज़मर्रा की पूरी बातचीत तक रिकॉर्ड होती है जिसके ज़रिए उनको चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये तो हर किसी का हक है कि उसको ये बात पहले तो मालूम हो और उसके बाद उसके पास ऑप्शन हो कि भाई आप मुझसे पैसे ले लीजिए इस चीज़ के, लेकिन मैं ये परमिशंस तो नहीं दूंगा, या इनफैक्ट मुझे आपकी सर्विस चाहिए ही नहीं, आप रखिए अपना फेसबुक अपने पास, रखिए अपना गूगल अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये आप तब होगा जब आप बताएंगे और फिर आपके देश के कानून ऐसा चाहेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, एटलीस्ट लोग इसके बारे में जाने समझे जागरूक हो वो इम्पोर्टेंट है, तभी आवाज़ आगे बढ़ेगी और तभी शायद इन चीज़ों में थोड़े परिवर्तन आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, नमस्कार।